अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये एक छोटी सी वीडियो कि अपने बर्ड को शो में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। ये आप देखें, ये मेरा एक ग्रीन फिशर है, वाइल्ड टाइप। इसको मैंने आज शो बॉक्स में इंट्रोड्यूस करवाया है और पिछले एक घंटे से ये बर्ड जो है इसी शो बॉक्स में है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बर्ड को जो है इसी तरह शो बॉक्स के अंदर ट्रेन करें, और इन केस अगर आपका बर्ड जो है वो शो बॉक्स के अंदर नहीं इंट्रोड्यूस करवाया और वो नीचे जाके बैठता है, तो आप किसी भी स्टिक या किसी भी पेंसिल की मदद से हल्का सा उसको पुश करें ऊपर वाली साइड के ऊपर। जब वो स्टिक के ऊपर जाए तो आप उसको ऊपर स्टिक पे बैठा रहने दें। जहाँ तक बात आ गई ड्रिंकर्स की, तो आप ये देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के ऊपर एक छोटा ड्रिंकर लगा हुआ है। कोशिश करें अगर आपको इसी तरह का कोई ड्रिंकर मिल जाए, ड्रिंकर आपने स्टिक के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि स्टिक पे लगाने से होता यह है कि जब बर्ड एक स्टिक से दूसरी स्टिक पे जंप करता है तो ड्रिंकर की वजह से जो है वो बर्ड नज़र नहीं आ रहा होता। तो ड्रिंकर आपने लेफ़्ट साइड से तीसरी या चौथी ग्रिल पे माउंट करना है, ताकि बर्ड अगर दूसरी स्टिक पे जाए भी तो जाने के बाद जो ड्रिंकर हो उसकी रीच में हो, ताकि वो वहाँ जाके पानी पी सके। कुछ चीज़ें जो मुझे अक्सर लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है शो बर्ड नहीं है या हम शो में नहीं आ सकते, तो मेरा अक्सर उन लोगों से यही सवाल होता है कि आपको कैसे पता कि आपके पास जो है वो शो बर्ड नहीं है, कि आपको शो बर्ड के स्टैंडर्ड्स पता हैं। तो सिर्फ सोच के, ये सोच के कि जी हमारे हम नहीं जीत सकते, ये सोच के घर में बैठना और पार्टिसिपेट नहीं करना शो में, तो मेरे ख्याल से ये गलत चीज़ है, गलत प्रैक्टिस है, जिसको हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और लाजमी शो के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो शो के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं, उसमें सबसे जो पहली चीज़ें है वो ये कि आपके बर्ड की जो बीक है वो बिल्कुल अनडैमेज्ड हो, और आपका बर्ड जो है उसके फ्लाइंग फीदर्स जो हैं वो पूरे हों, फ्लाइंग फीदर्स गिरे भी ना हों, टेल बार उसकी प्रॉपर तरीके से पूरी हो, उसके जो नेल्स हैं वो ड्यूल टोन ना हो, पियानो नेल्स जिसे कहते हैं कि एक ब्लैक हो और एक वाइट हो, या आधा ब्लैक आधा वाइट हो। बर्ड आपका का जो नेल्स है, जो फीट हैं, वो कहीं से डैमेज ना हो, नाखून ना टूटे हुए हों। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने सिर्फ नोटिस करनी है, उसके बाद अपने बर्ड को आपने इस तरह, ये भी आप देखें कि मुझे इस बर्ड को इस बॉक्स में इंट्रोड्यूस किए हुए कुछ ही टाइम हुआ है और ये बर्ड इस बॉक्स में बैठ के काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा है। तो इसी तरह आपने अपने बर्ड को जो है वो ट्रेन करना है। थैंक यू।